प्रदेश में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। वहीं आगामी 3 दिनों तक मैदानी क्षेत्रों में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। साथ ही हरिद्वार और उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास ही रहेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज 3 जनवरी हो गई है, तो अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज़्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और न्यूनतम तापमान वो सामान्य के आसपास ही बने रहेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की और अपनी दावेदारी पेश की। इस दौरान उनके समर्थन में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल सहित नैनीताल उधम सिंह नगर के कई कांग्रेसी दिग्गज दिखाई दिए। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने कहा कि वह 40 साल से कांग्रेस में जुड़े हैं और विभिन्न सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर पार्टी संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहे। किसानों के लिए उन्होंने सड़क से लेकर हाईकोर्ट तक कई लड़ाइयां लड़ी हैं। राज्य आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही। ऐसे में अब उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी में लोकसभा सांसद के लिए दावेदारी पेश की है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार आप देख रहे हैं और प्लान आप देख रहे हैं दुनिया भर की। अभी भी आप देखिए, आप एम्बुलेंस नहीं है, आप देख रहे हैं बाघ का आतंक, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, है? और आप देख रहे हैं बड़ा कष्ट इस बात का है, आज हमारा बेरोजगार सड़क में भटक रहा है। क्या आप भी हमारे उत्तराखंड के अंतर 38,000 पोस्ट खाली पड़ी हुई है, केवल बात कर रहे हैं, अभी उसे फिलअप नहीं किया गया। अगर उन्हें कर लिया होता आज जो लोग भटक रहे हैं कुछ थोड़ा उसमें कमी आती। केवल इलेक्शन में ज्ञान है,